नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोलफिल मिरर, हर पल आपके साथ। अंतिम चरण का आंदोलन पूरा किया और डीएम का माध्यम से राष्ट्रपति महोदय के पास हम लोगों ने मेमोरेंडम सौंपा और सर से उनसे हम लोग उम्मीद जताया कि हमारा जो डिमांड है डिमांड को पूरा किया जाए। क्रांति मोर्चा माध्यम से उनको हृदय से अभिनंदन और उम्मीद करेंगे इसी तरह। लोग आज यहाँ क्या है, क्या कर रहे हो? आज हम लोगों ने जो आदिवासियों को हत्या कर दी गई है, इसके लिए उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में, तो इसके लिए हम लोगों ने तीन चरण में आंदोलन किया। पहले हम लोगों ने धरना किया, ज्ञापन दिया, पहले फिर धरना किया। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले जे 13 जन आदिवासी के हत्या करा हुई है और किछु आदिवासी एखनो हमें नहीं चिकित्सा चलते, तो সেই জন্য আমাদের এই রেলি আন্দোলন আমরা বেরিয়েছি। আপনার ডিমান্ড কি? ডিমান্ড কি? ডিমান্ড ডিমান্ড আমাদের যে এসসি এসটি ওবিসি দের যে আমাদের অত্যাচার হচ্ছে, আমাদের শিডিউল কাস্টে যে এই রকম ভাবে আমাদের দিনে দিনে অত্যাচার বেড়ে চলেছে, হ্যাঁ আমাদের এটাই আমাদের ডিমান্ড। আমরা চাইছি সরকার আমাদের সমান অধিকারই আমাদের দিক, হ্যাঁ আমাদের যে অত্যাচার করছে সেই আমাদের আমরা মানে সেটা সাজা চাই, হ্যাঁ এটাই। ডিপুটেশন তোমরা কিসকো দে রে হো? डीएम सर को। अच्छा, क्या 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 कहे उन्होंने? अभी तक हम लोगों का जो कार्यकर्ता नेतृत्व बिंद है वो डीएम सर के पास गए हैं, वो आएंगे फिर हम आपको बता पाएंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुशील रुदस। आपने डीएम को डिपुटेशन दिया, डीएम साहब क्या बोले? डीएम साहब का कहना है कि इसे ये तो हमारा डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, सर ये हमारा डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, ठीक है, लेकिन ये आदिवासियों का समस्या राष्ट्रीय भी समस्या हो रहा है ना, तो इसके लिए आप लोग का क्या सुझाव? इनका उस तरह हम लोग को जैसे डिपुटेशन दे उसे रेस्पॉन्स को हम लोग को नहीं मिला। हम लोग आज ही जो डेपुटेशन डीएम साहब के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय के पास हम लोग भेजे कॉपी, हम लोगों का जो डिमांड है कि जो उनका पर किया गया अन्य अत्याचार उनको तुरंत फांसी दिया जाए। उनका नाम प्रभात मिश्रा कमल सिंह, जो भू माफिया है इनको तुरंत फांसी देना चाहिए और जिनका मर्डर हुआ इनको 1 करोड़ मैंने उनको कंपेंसेशन दिया जाए सरकार से, और उनका जो जमीन लिया गया वो भी तुरंत इनको वापस दिया जाए, और उनको उन इलाकाओं को आदिवासी इलाका घोषित करके 5वीं 6वीं अनुसूची, इस तरह का 6-7 मुद्दा हम लोग डिमांड किए राष्ट्रपति महोदय के पास। यदि हमारा डिमांड पूरा नहीं हुआ तो इससे भी कई बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। ये आंदोलन कौन कर रहा है आप लोग? ये आंदोलन राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से हो रहा, लेकिन तमाम जो इसमें कहाँ कहाँ के लोग सब यहाँ पर, हमारा बहुजन क्रांति मोर्चा का संगठन है, बौरी समाज का है, हेला समाज का, महादलित परिसंघ है, जितना तमाम एस सी एस टी ओबीसी माइनोरिटियों का, मुसलमानों का संगठन जुड़ा, यहाँ 7 से 8 संगठन अभी पश्चिम बर्धमान के यहाँ पर जुड़ा है, और भी बहुत सारा संगठन से बातचीत चल रहा है। आने वाले दिन हम लोग एक बहुत बड़ा जन आंदोलन करने वाले हैं स्टेज में। आप क्यों करो जन आंदोलन? हम लोग डिमांड क्या है? हम लोग का डिमांड है कि हमारा जो समस्या एस सी एस टी ओबीसी माइनोरिटी का हो रहा है, जब से बीजेपी सरकार आया तब से ही और 2 गुना बढ़ चुका है, डबल हो चुका है, तो ये अन्याय अत्याचार को रोकना है। और सबसे बड़ा समस्या हो रहा क्या, भारत में जो लोकतंत्र लोकतंत्र खत्म करके आज ब्राह्मण तंत्र लागू हो गया, यही हमारे लिए सबसे बड़ा समस्या है। आज इस देश में भारत का संविधान यदि 100% लागू कर दिया जाए तो किसी का समस्या नहीं हो रहा। हमारा अभी क्या हुआ हाल फिलहाल में? हाल फिलहाल में सुने हैं कि दिल्ली में जो है तुगलक रोड में रविदास मंदिर था, वहाँ पर जो है तोड़ दिया, भी तो हरिजन आदिवासी का जो है अत्याचार से जुड़ा हुआ संबंध। उसके लिए फ्यूचर क्या स्टेप ले रहे हैं आप लोग? फ्यूचर जो है अभी की बात नहीं सुनेंगे, क्या करोगे? और भी सर के जो है कई ठो स्टेट में आंदोलन तो हो रहा है, यहाँ भी हम लोग शुरू करेंगे। अभी तो मुद्दा ये तो है नहीं, कर देंगे, लेकिन ये तो सुनने में आया है फेसबुक के जो है जरिए कि रविदास जी का जो है बहुत 600-700 साल पुराना था, उसको ध्वंस कर दिया गया है, यहाँ से भी हम लोग का आंदोलन जाएगा। आप बोलिए जो कार्यक्रम हो रहा है क्या क्या कहना चाहते हैं? हम लोग को तो आदिवासी लोग को जगह 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 में जमीन प्रमोटर लोग ले रहा है, इसके बारे में हम लोग पश्चिम बंगाल में भी जाके ये लोग दिन बंगला में बोल रहा है मैंने दिन दिन आने दिन खाए, ঠিক আছে, এদের কোনো আর্থিক খবর নাই, এগুলো বলা হয়েছে সাহেবকে বলছে ঠিক আছে, এদিকে থেকে আমরা দেখছি। আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো আমরা 85% আছি, 85% আর ব্রাহ্মণরা আছে 15%। ভালো করে চিন্তা ভাবনা করো, আমাদের সঙ্গে লড়তে গেলে কিন্তু আমরা একটাই বলে দিচ্ছি, ওদেরকে মেরে ছাড়বো আমরা, কিন্তু ছেড়ে ছাড়বো না।
আমাদের এটাই আওয়াজ, ওটা যত সমস্ত আমাদের আদিবাসী ভাইরা আছে, শিডিউল কাস্ট আছে, ওবিসি মাইনরিটি যারা আছে, এইখানে কিন্তু আন্দোলন করলে চলবে না। আমরা এগুলো গতিচ্যুত করব, আমাদের উপর অত্যাচার আমরা শুনবো না। আমরা বিরসা মুন্ডা বাবা সাহেব আম্বেদকরের দান আছে, যে বাবা সাহেবের নাম নিয়ে ঢংবাজি করছে, শুধু আমাদেরকে দেখছে না কিছু না। এইগুলো কিন্তু অত্যাচার করলে টোটালি বন্ধ করে দিতে হবে। এসব কত ফ্যাসিলিটিই নাই আমাদের, কিন্তু ব্রাহ্মণরা একে একতন্ত্র করে যাচ্ছে, যাতে এই কিন্তু আন্দোলন হচ্ছে। এগুলো আমাদেরকে বৃহত্তর আন্দোলন করতে হবে। এরপরে আবার যদি না শুনে আমরা ভোটার আমাদের আমাদের পাড়ায় আমাদের বাউরি মুচি হাঁড়ায় সাঁওতাল ফাঁওতাল যতগুলো আছে ভোটের সময় শুধু আমাদের বাড়ির ওখানে মাইকগুলো ঘোরায়, ভোটটা কে দেয়? আমাদের এই লোকরা দেয়। তো আমাদের সঙ্গে টয়াক্কা যদি করে কিন্তু আমরা গদিচ্যুত করবই, এই বলে আমি সমর্থন করলাম। আপনাদের এখানে এমপি আছে, ওকে নিয়ে এমপি আমরা চিনি না। আমাদের দিল্লি এখন হয়েছে, দিল্লির পরে যেখানে সেখানে আমরা অত্যাচার কিন্তু আমরা পৌঁছবো। আমরা কাউকে মানবো না, কোনো পলিটিক্যালকে মানবো না। তখন আমরা কোনো পলিটিক্যাল মে নেই হ্যাঁ, হম লোগো কা জো হ্যাঁ হর জগহ জো হ্যাঁ, হম লোগো এস সি এস টি মে জো ভি ও বি সি মে আতে হ্যাঁ লোক ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সে জো হ্যাঁ, হম লোগো এস সি এস টি অর্গানাইজেশন চলা রহে হ্যাঁ, কই রবিদাস সংঘ চলা রহা হ্যাঁ, কই রবিদাস কমিটি চলা রহা হ্যাঁ, কই আদিবাসী সমিতি চলা রহা হ্যাঁ, কই আদিবাসী অর্গানাইজেশন চলা রহা হ্যাঁ। হম লোগো কা ইহাঁ জো সংস্থা জো হম লোগো আজ জো প্রস্তাব দেনে আয়ে, হম লোগ জো হ্যাঁ বাম সেফ কে ওর সে আর জো সুশীল বাউরি সমাজ কা জো হ্যাঁ ইয়ে লেকার কে আয়ে আর ভি ভারতীয় আম্বেদকর কমিটি কা তরফ সে হম লোগ আয়ে। আপনার এলাকা কা জো এমপি হ্যাঁ বাবুল সুপুরি, উনকো ইয়ে ইয়ে মেসেজ আপ লোগ দিয়ে উনসে আরে উনকো 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 তো পতাই নি মিলতা হ্যায়, উনকো তো পতাই নি। ভোট কে দিন আয়া থা উসকে বাদ চলা গয়া হ্যায়। কোন ভোট কে দিন আয়া থা? ভোট কা দিন আয়া থা ওই আর কোন কোন জায়গা নেই ভোট কে দিন? কোন কা দিন ভোট কে দিন? তো আপনা যে বল রহা হ্যায় উসকি কা নাম এমপি সাহেব? হ্যাঁ তো বাস উসকা দিন রাত সব নজর আতে হ্যায় ইসকা বাদ। তারপর কাহনা প্যার হো গয়া হ্যায়, উসকে বাদ ইয়ে জব পতা চলতা হ্যায় আদমি কা জমিন লে রহা বহুত জায়গা ইয়াহ পর দেখতে হ্যায় আপ লোগ। আচ্ছা তো রিপোর্টার হ্যায় আপ লোগ প্রবলেম হ্যায়, হম লোগ কা খবর আপ হি লোগ তক জায়েগে। হ্যাঁ কোই মতলব নেই হ্যায়, কোই মতলব নেই হ্যায়, এমপি এমএলএ সবসে বড়া চোর হ্যায়, ব্রাহ্মণ কা দালাল হ্যায়, এমপি এমএলএ সে কোই মতলব নেই হ্যায়, হম আপনা লড়কে আজাদি লেঙ্গে। হম লোগ আপনা লড়াই খুদ লড়েঙ্গে, হম লোগ কা কোই এমএলএ এমপি সে কোই লেনা দেনা নেই। বাস বাবা সাহেব কা এক প্রিন্সিপাল হ্যায় সমতা স্বতন্ত্রতা আর ভাইচারা हमारे हिंदुस्तान में लागू हो जाए, भारत में लागू हो जाए, सब 85 और 15 दोनों साथ में मिल करके रहे, यही हम लोग चाहते हैं। किसी के पास में अत्याचार ना हो, अत्याचार ना हो, बलात्कार ना हो, जगह जगह में दुराचार ना हो, यही चाहते हैं। बाबा साहब का प्रिंसिपल फॉलो हो जाए, सब शांति और सुखी समृद्धि करुणा दया सबके अंदर में भावना जगे, सबको अधिकार मिले, जो मार्गदर्शन है बस उस पर चलना है। यही मेरा मंतव्य है और सभी लोगों से मेरा ये संदेश है, निवेदन करता है। बाबा साहब शेड्यूल कास्ट का है, शेड्यूल ट्राइब का है, ओबीसी का है, यही ये ब्राह्मण के विचार यही है। बहुत सा प्रॉब्लम है की जो है 6 महीना से लेकर के साल भर 2 साल किसी को दौड़ा जाता है, इसमें भी जो है घुस आज आपको जरूरत पड़ेगा, कोई इमरजेंसी आ गया एससी का सर्टिफिकेट के लेकर के एसटी का सर्टिफिकेट के लिए तो 8 से 10 हजार रुपये यही सुनने में आया है। लेकिन अब गरीब समाज 10,000, 8,000, 5,000 कहाँ से पाएगा सर? उसका इशू हो, सर्टिफिकेट हो, जो भी समय पर जो है उसको मिलना चाहिए, दिया जाए बगैर। हाँ, जो भी सरकारी जो आरक्षण है, जो सुविधा है। हमारा नाम परदेशी है, हमारा बाबा साहब के अनुसार 27% आरक्षण हम लोग का लागू होना चाहिए। हम लोग 85 रह करके भी हम लोग दर दर के ठोकर खा रहे हैं, बहुत दिक्कत आ रही है। 15% के लोग हम लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, ऐसा क्यों? संविधान में तो ऐसा नहीं है। अभी 6 साल पुराना मंदिर तोड़ने का क्या औचित्य है? आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, 6 साल के पुराना मंदिर को तोड़ने का क्या औचित्य है? बाबरी एक्शन में सरकार कैसा काम कर रही है? हम लोग सेंट्रल सरकार जो है, देखिए अभी रामचरण का झगड़ा चल रहा है, इन लोगों के पास कोई सबूत है नहीं, कोर्ट तो मांग रहा है, सुप्रीम कोर्ट तो मांग रहा है कि आप अपना दलील दीजिए। राम का अगर कोई पुरखा पूर्वज है, दो तीन दिन से बहस चल रही है, ये लोग सर्टिफिकेट दे नहीं पा रहे हैं, बोल रहे चोरी हो गया। कहाँ से चोरी गया? इतनी कड़ी सुरक्षा रहने के बाद भी चोरी गया? इन लोगों के पास कोई अस्तित्व नहीं है, ये सिर्फ लड़ाना चाहते हैं। अब देखिए इधर मुद्दों को भटकाया जा रहा है, मुद्दों को भटकाया जा रहा है, जब जब भी समस्या आता है भारत के ऊपर आम जनता को भटकाया जाता है। ठीक है, बस धन्यवाद। धन्यवाद दादा।